गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से TSN ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, पहले वीडियो जो आपके आए हैं आपने उनको देखा होगा और उन वीडियोस के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि हम आपके लिए अभी रिविज़न वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं और रिविज़न PDF भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी आप घर पर हो तो आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए रिविज़न वीडियोज़ और रिविज़न PDF तैयार किए हैं। ठीक है, तो आपको चैप्टर वाइज ये रिवीजन वर्क आ रहा है, तो आपको जो वर्क आता है, जो वीडियोस आती हैं उनका जो लिंक है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। और जो PDF है वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आती है, तो जो वर्क आ रहा है उसको आपको हिंदी की जो नोटबुक है आपकी उसमें उसको करना है, साथ के साथ उसको लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ है हमारा 13 और इसका नाम है ऊनम। इसका हम रिवीजन करेंगे। ये पाठ मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ लेकिन आज इसका रिवीजन है, तो इसको मैं दोबारा भी आपको एक बार इसके बारे में डिटेल में बता देती हूँ कि ना ओणम एक पर्व है। कहाँ का? केरल का। केरला का है ये और इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और राजा महावली के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो राजा महावली थे वो अभी भी आते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से मनाया जाता है, क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, घरों में क्या क्या व्यंजन पकाए जाते हैं, कितने दिनों तक चलता है, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं इस पर, ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ा था। ठीक है, तो रिवीजन चल रहा है, तो जितनी भी हमारी जो बैक एक्सरसाइज है उसके अंतर्गत शब्दार्थ हैं, टिक द राइट मार्क है, टू एंड फॉल्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा है, तो इन्हीं चीज़ों का हमें रिवीजन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। काफ़ी सारे शब्दार्थ हैं, उनके पहले मैं शब्द बताऊंगी, फिर उनके आपको अर्थ बताऊंगी। तो जो हमारा पहला शब्द है वह है समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है अमीरी। दूसरा वर्ड है हमारा पर्यटक। पर्यटक यानी कि घूमने फिरने वाला। फिर है सभ्यता। सभ्यता मीन शिष्टता। बहुव्यंजनीय, अनेक प्रकार के व्यंजन। ठीक है, बहु यानी कि अनेक और व्यंजन तो आप जानते हो जो पकवान बनाए जाते हैं उनको कहते हैं। विरासत यानी कि उत्तराधिकार में मिला धन। हर्षोल्लास, खुशी और उमंग। संस्कृति, संस्कार। चरमोत्कर्ष, चरम बिंदु। आनंद, खुशी। दृष्टिगोचर, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला। ठीक है बच्चों, जो शब्दार्थ हैं उनको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि सिमिलियर होती हैं कई चीज़ें, हम कई अर्थ ऐसे होते हैं जो कि हमें सेम लगते हैं किंतु ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपको इनको पर्टिकुलर को याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब है हमारे सही विकल्प पर राइट टिक लगाइए। एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसके विकल्प होंगे 2 या 3, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ के हमें यह देखना है कि इन विकल्प में से कौन सा इसका राइट आंसर है, और जो राइट आंसर होगा उसको हमें टिक मार्क कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वह है क नंबर पर, केरल राज्य का सबसे बड़ा पर्व है कौन सा है, दीपावली, पोंगल या ओणम। अब तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीन ऑप्शन में से केरल राज्य का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, ओणम है। ठीक है, फिर आता ख नंबर पर, ओणम के अन्य नाम हैं, इसके ऑप्शंस हैं थ्रुओणम, श्रावण महोत्सव, ये दोनों। तो जो हमारा तीसरे नंबर वाला ऑप्शन है, ये दोनों यानी कि ओणम को हम थ्रुओणम और श्रावण महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। अब आता ग नंबर पर, ओणम पर्व चलता है कब, कितने दिनों तक चलता है, 10 दिनों तक, 7 दिनों तक या 5 दिनों तक। तो जो ओणम का पर्व है वह 10 दिनों तक चलता है, तो हमें 10 दिन यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है 10 दिनों तक उस पर राइट मार्क कर देना है। इसके बाद आता है उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक जगह छोड़ी हुई होगी जब आपके एग्जाम में आएगा और उसमें हमें सही शब्द को भरना है कि इस वाक्य के अंदर, इस लाइन के अंदर कौन सा शब्द आएगा। अभी मैंने जो वर्ड आएगा आंसर के रूप में वह ब्लू पेन से लिखा है और उसके नीचे अंडरलाइन की हुई है। तो हमारा पहला है, पहला वाक्य है, ब्लैंक जगह दे रखिए, मलयालम कैलेंडर के अनुसार साल का पहला महीना होता है। तो जो मलयालम कैलेंडर है उसके अनुसार साल का पहला महीना कौन सा होता है, चिंगम महीना होता है। तो चिंगम मलयालम कैलेंडर के अनुसार साल का पहला महीना
होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा चिंगम। फिर आता है खा नंबर पर, कार्निवल का ब्लैंक दिन उत्तम व दसवां दिन थ्रू ओनम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ पर आएगा पहला और दूसरे में आएगा दसवां। ठीक है, तो कार्निवल का पहला दिन उत्तम व दसवां दिन थ्रू ओनम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब ग नंबर पर है, बल्लम कली नौका प्रतियोगिता का आयोजन नदी पर किया जाता है, कौन सी नदी पर किया जाता है, पंबा नदी पर किया जाता है, तो इसमें पंबा आएगा। अब एक खा नंबर पर, केरल की ब्लैंक छापी ओडम पर्व में साफ दृष्टि गोचर होती है, तो केरल की कौन सी छाप, सांस्कृतिक छाप ओडम पर्व पर साफ दृष्टि गोचर होती है, तो ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान। अब आते हैं सत्य तथा असत्य लिखिए, जिनको इंग्लिश में कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, इसमें पहला है चिंगम महा केरल वासियों के लिए पवित्र महीना होता है, यह बात सत्य है या असत्य है, तो बच्चों यह बात सत्य है क्योंकि जो चिंगम माह है वो केरल वासियों के लिए बहुत ही पवित्र महीना होता है। अब आता है ख नंबर पर, ओणम विशेषकर व्यापारियों का पर्व है, यह बात असत्य है, ओणम विशेषकर व्यापारियों के लिए नहीं है, यह सभी वर्गों के लिए एक अच्छा पर्व माना जाता है, इसलिए यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फिर आता है ग नंबर पर, ओणम के अवसर पर नौका दौड़ भी होती है, बिल्कुल होती है, बड़ी बड़ी नौकाएं तैयार की जाती हैं इस अवसर पर, तो यह बात भी सत्य है। फिर आता है घ नंबर पर, रंगीन फूलों से बनाए जाने वाली रंगोली को ओण्या सद्या कहते हैं, यह बात असत्य है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ट्रू एंड फॉल्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है, तो कौन सा होता है पहला महीना, अभी जस्ट हमने ऊपर भी पढ़ा था इसको, तो इसका उत्तर होगा मलयालम कैलेंडर का पहला महीना चिंगम होता है। ठीक है, समझ में आया कि मलयालम कैलेंडर का महीना कौन सा होता है, चिंगम। जो हमारे हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, इंग्लिश कैलेंडर यूज करते हैं जैसे जनवरी, और जो हिंदी कैलेंडर होता है उसमें चैत्र पहला महीना होता है, और जो मलयालम कैलेंडर है उसमें पहला महीना चिंगम होता है। अब आते हैं ख नंबर पर, ओणम पर किसका प्रतीक माना जाता है, इस पर्व के अन्य नाम क्या है, उत्तर होगा ओणम पर समृद्धि तथा खुशहाली लाने का प्रतीक है, थ्रू ओणम तथा श्रावण महोत्सव के नाम से भी इस पर्व को जाना जाता है। ठीक है, तो ओणम पर किसका प्रतीक है, खुशहाली तथा समृद्धि लाने का, और इसको थ्रू ओणम तथा श्रावण महोत्सव के नाम से भी हम जानते हैं। अब आता है हमारा ग नंबर का प्रश्न, ओणम पर क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है कि हम ओणम पर्व को मनाते हैं, उत्तर होगा इसका राजा महावली के आगमन की खुशी में ओणम पर्व मनाया जाता है। ठीक है, और मैंने प्रश्न घ तथा ड आपको नहीं करवाए इसलिए उनको नहीं करना है, तो ये आपका बच्चों रिवीजन कंप्लीट हो जाता है, इसका पीडीएफ आएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको उसको अपने कॉपी में करना है, साथ ही साथ उसको लर्न भी करना है। धन्यवाद।